हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू लॉन्च स्किन केयर रेंज का रिव्यू, एंड दैट इज फ्रॉम स्किबिया। इनकेस आपको पता ना हो गाइस, आई वांटेड टू शेयर विद यू, स्किबिया इज एक्चुअली अ स्किन केयर, पर्सनल केयर, हेयर केयर रेंज अंडर क्लोविया। क्लोविया इज एन ऐप एंड वेबसाइट जो कि प्रोडक्ट्स बनाते हैं पर्टिकुलरली फॉर वुमेन। सो स्किबिया इज लाइक अ पर्सनल केयर ब्रांड अंडर क्लोविया आई वुड से। सो इनके कुछ प्रोडक्ट्स रिसेंटली लॉन्च हुए हैं एंड दैट इज फ्रॉम देयर विटामिन सी रेंज। सो मैंने उनका प्रोडक्ट्स बाय किए हैं एंड आई हैव बीन ट्राइंग दिस प्रोडक्ट्स फ्रॉम द पास्ट आई थिंक 1 वीक अभी हो चुका है और मुझे काफी अच्छा लगा, पर्टिकुलरली समर्स के लिए। जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, दिस आर मस्ट। सो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आपके साथ जरूर इस वीडियो में शेयर करूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू शेयर विद यू द ब्यूटीफुल पैकेजिंग, क्योंकि पैकेजिंग की बात करे बिना आई कैन नॉट स्टार्ट विद द वीडियो। द पैकेजिंग इज सो ब्यूटीफुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी द ब्यूटीफुल पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। मुझे सारे प्रोडक्ट्स इसमें रिसीव हुए थे। फर्स्ट आई वांटेड टू शेयर विद यू द फेस वॉश। पहले आप इसका पैकेजिंग देख सकते हैं, इस तरीके का ट्यूब फॉर्म में आता है। दिस इज स्किबिया विटामिन सी स्किन इल्यूमिनेटिंग फेस वॉश सुपर फूड फॉर स्किन, यहाँ पे मेंशन है। इसमें हमको 100 ml ऑफ फेस वॉश मिल जाता है। इसका प्राइस मेंशन है 399। दिस फेस वॉश इज फ्री फ्रॉम ऑल नेस्टीज। दिस इज क्वालिटी फ्री, सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री एज वेल, एंड दिस इज प्राउडली मेड इन इंडिया। इसका कंसिस्टेंसी है इस जेल लाइक, बहुत अच्छे से लैदर करता है स्किन के ऊपर, बिल्कुल भी स्किन को ड्राई आउट नहीं करता है, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। एक साइट्रसी स्मेल है जो कि बहुत ही रिफ्रेशिंग है। मैं इसको अभी यूज कर रही हूँ 2 times इन द डे, मॉर्निंग एंड नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में। अगर आपका ऑयली स्किन है, ऑयली टू सुपर ऑयली, इन दैट केस आप 3 times भी इसको यूज कर सकते हैं। मेकअप हो, डर्ट हो, जो भी फेस के ऊपर इम्प्योरिटीज है, सारा कुछ अच्छे से रिमूव हो जाता है। आई जस्ट लव द फीलिंग। मैंने यूज दिस फेस वॉश, मुझे काफी अच्छा लगा ये। इसमें है नींबू जो कि है साइट्रस, इसमें है हल्दी, इसमें है घृत कुमारी लीफ एक्स्ट्रैक्ट जो कि होता है एलोवेरा, इसमें मुलेठी है। सो नेक्स्ट इज स्किबिया विटामिन सी स्किन रिफाइनर टोनर। इसमें 100 ml ऑफ टोनर मिल जाता है और इसका पैकेजिंग भी मुझे काफी अच्छा लगा। ये स्प्रे फॉर्म में है और इसको यूज करना भी काफी अच्छा लगा मुझे, वेरी वेरी कन्वीनियंट। एंड इसका जो स्मेल है गाइस, आई एम एडिक्टेड टू द स्मेल। इट इज अ वेरी लाइट साइट्रस स्मेल और साइट्रस का स्मेल मुझे पर्सनली काफी पसंद है गाइस। और ये फेस को इतना अच्छे से हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, एक बहुत ही अच्छा कूलिंग एंड सूदिंग सेंसेशन रिलीफ देता है स्किन को, जो कि मुझे काफी अच्छा लगता है। तो इसका प्राइस है ₹349, 24 months ऑफ सेल्फ लाइफ मिल जाता है। दिस इज नेस्टीज फ्री, क्रुएल्टी फ्री, सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री। तो इसमें उन्होंने यूज किया है पोटेंट विटामिन सी एंड हाइलुरोनिक एसिड। सो विटामिन सी का और एक एडवांटेज भी है गाइस, इट रियली वर्क्स ऑन रिंकल्स, फाइन लाइंस, एजिंग का जो स्पॉट्स है उसके ऊपर भी काम करता है, उसको लाइटन अप करता है। सो इस वजह से यू शुड डेफिनेटली यूज प्रोडक्ट्स रिच इन विटामिन सी। सो इसमें ये सारे बेनिफिट्स हैं एंड ऑल्सो इसमें हाइलुरोनिक एसिड है जो कि स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, स्किन के ऊपर मॉइस्चर लेवल को रिटेन करता है। इससे हमारा स्किन ज्यादा यूथफुल लगता है, ज्यादा ग्लोई लगता है और प्लम्प सॉफ्ट लगता है। इसको यूज करती हूँ 2 times इन द डे, बोथ मॉर्निंग एंड नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में मैंने इसको शामिल किया है। एंड आई जस्ट लव यूजिंग दिस टोनर सो मच एंड आई हाईली सजेस्ट यू। बट बिफोर मॉइस्चराइजिंग यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ सीरम। सो दिस इज स्किबिया विटामिन सी फेस सीरम विथ हाइलुरोनिक एसिड। सो सीरम मैं आपको हाईली सजेस्ट करती हूँ, यू शुड डेफिनेटली इंक्लूड इन योर स्किन केयर रूटीन। सो ये कुछ इस तरीके का कांच का बॉटल में आता है। सो एक्चुअली ये जो सीरम है आई थिंक 3 to 4 sizes में अवेलेबल है। 2 to 3 drops इज मोर देन सफिशियंट फॉर द होल फेस। सो हाइड्रेटिंग ऑन स्किन, बिल्कुल भी ऑयली काइंड ऑफ सीरम ये नहीं है, जो कि पर्टिकुलरली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है इन समर्स। फर्स्ट इसमें यूज हुआ है विटामिन सी जो कि की इंग्रेडिएंट है ऑफ दिस सीरम। विटामिन सी हमारे स्किन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करता है और ये हमारे स्किन के ऊपर यूवी रेज की वजह से जो डैमेज होता है उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट इसमें यूज हुआ है हाइलुरोनिक एसिड जो कि हमारे स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, नरिश करता है, एंड एट द सेम टाइम ये हमारे रिंकल्स और फाइन लाइंस के ऊपर काम करता है। सो थर्डली इसमें यूज हुआ है एलोवेरा जो कि एक्ने के ऊपर काम करता है। इट रियली हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एक्ने। ये कूलिंग एंड सूदिंग सेंसेशन देता है और एक्ने का जो स्कारिंग होता है, एक्ने का जो स्कार्स होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और मुझे ये काफी अच्छा लगा और मैं इसको यूज करती हूँ 2 times इन द डे, बोथ मॉर्निंग एंड नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में। इन द थर्ड स्टेप ऑफ माय स्किन केयर रूटीन मैं इसको यूज करती हूँ और मेरा स्किन आजकल काफी अच्छे से बिहेव कर रहा है, टच वुड। एंड आई जस्ट रियली लव दिस प्रोडक्ट अलॉट एंड आई हाईली सजेस्ट यू शुड डेफिनेट ट्राई आउट। और इनफैक्ट ये जो सारे प्रोडक्ट्स आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, दीज आर जेंडर न्यूट्रल एज वेल, कोई भी इनको यूज कर सकता है। बोथ मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस कैन डेफिनेटली यूज these products and get the benefits.
सो लास्टली आई हैव द मॉइस्चराइजर जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन एनी स्किन केयर रूटीन. मॉइस्चराइजेशन इज अ मस्ट. आपका कोई भी स्किन टाइप हो, आपका ऑयली हो, ड्राई हो, आपका नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन हो, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर अ गुड मॉइस्चराइजर. सो लास्टली आई हैव स्किबिया विटामिन सी स्किन रिफाइनर डे क्रीम विथ SPF 30. सो इसमें SPF 30 का एडेड सन प्रोटेक्शन भी मिल जाता है विच इज रियली रियली ग्रेट. एंड दिस इज अ डे क्रीम. आपको इसको यूज करना है दिन के टाइम ही, आपको इसको रात में यूज नहीं करना है. और इसमें SPF 30 भी है, सो डेफिनेटली आप इसको रात को यूज नहीं कर सकते हैं. इसमें 50 ग्राम से प्रोडक्ट मिल जाता है. इसका प्राइस है 499. 24 मंथ्स ऑफ सेल्फ लाइफ मिल जाता है. दिस इज अगेन नेस्टिस फ्री, क्रुएल्टी फ्री, सल्फेट एंड पैराबेन फ्री, मेड इन इंडिया. सारा कुछ डिटेल्स आर मेंशन्ड ऑन द पैकेजिंग इटसेल्फ. ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर मेंशन्ड. कमिंग टू द पैकेजिंग, इस तरीके का पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट्स मुझे काफी अच्छे लगते हैं. कमिंग टू स्किन केयर, सो एक्चुअली बहुत ज्यादा हाइजीनिक लगता है, काफी ज्यादा कन्वीनियंट लगता है टू यूज. सो ये पॉम्प फॉर्म में है, लाइक दिस आप देख सकते हैं. एंड इसका भी स्मेल काफी रिफ्रेशिंग है, बहुत ही लाइट स्मेल है. दिस इज नॉट गोइंग टू बदर एनी वन. ये स्किन को राइट अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजेशन देता है. बहुत ही एक्सट्रीमली ऑयली ग्रीजी काइंड ऑफ नहीं है, एक्सट्रीमली हैवी नहीं है. समर्स में पर्टिकुलर इस तरीके का क्रीम्स मुझे काफी ज्यादा पसंद आते हैं. और इसका जो एडेड बेनिफिट है दैट इज SPF 30, जो कि बहुत ही अच्छा सन प्रोटेक्शन है. बहुत ही लाइट वेट क्रीम है स्किन. सो इसमें जो सारे इंग्रेडिएंट्स यूज हुआ है आई वांटेड टू टेल. सो फर्स्ट इसमें यूज हुआ है विटामिन सी, जो कि हमारे स्किन को ब्राइटेंड अप करता है और स्किन को इवन टोन्ड करता है. सो नेक्स्ट इसमें यूज है नाइसिनामाइड, जो कि स्किन के ऊपर जो डार्क स्पॉट्स हैं उसको लाइटेंड अप करने में हेल्प करता है और हाइपर पिगमेंटेशन को भी कम करता है, उसके ऊपर अच्छे से काम करता है. सो इसमें यूज है ऑरेंज एक्सट्रैक्ट विच इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स. ये हमारे स्किन के ऊपर कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है. अगर हमारे स्किन के ऊपर ज्यादा डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं या ज्यादा हाइपर पिगमेंटेशन आ रहा है, ये उसको भी प्रिवेंट करता है. ये अभी के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एंड आपको भी इसका बेनिफिट अभी मिलेगा, क्योंकि अभी स्किन बहुत ज्यादा डल हो जाता है और टैन हो जाता है. डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस क्रीम. आई जस्ट हाईली रिकमेंड एंड मुझे काफी अच्छा लगा है. सो इनके काफी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं एंड देयर आर आल्सो सम अदर प्रोडक्ट्स एज वेल लॉन्च्ड अंडर देयर विटामिन सी रेंज. सो मैंने सोचा कि ये सारे प्रोडक्ट्स को मैं जरूर बाय करूँ और ट्राई करूँ, क्योंकि ये जो सारे प्रोडक्ट्स मेरा स्किन केयर रूटीन को कंप्लीट करते हैं और डेली बेसिस में मैं इस तरीके का स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ. आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे डाल दूंगी ऑन स्क्रीन, और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा. और द बाइंग लिंक विल बी देयर इन डिस्क्रिप्शन. आप जरूर जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं. सो गाइस, आई होप दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल. अगर आपको अच्छा लगा है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. इस वीडियो को जरूर एक लाइक दीजिए. आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं. मेरा इंस्टा हैंडल है glam_your_look. सो वंस अगेन आई विल बी बैक. Bye, take care, love you all.